नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम PMCH में खड़े हैं, पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। आपको पता होगा छपरा में जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो सांसद हैं पाटलिपुत्र के, रामकृपाल यादव, मिलने के लिए आए हैं। जिस तरीके की घटना हो रही है, उनके पिताजी से मुलाकात कर रहे हैं। पहले हम सर जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके की भयावह घटना हो रही है बिहार में, इस पर क्या कहेंगे आप? छपरा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गरीब परिवार के बच्चे, कम उम्र के बच्चे है, नाबालिग है, उसके साथ दुष्कर्म किया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 8वीं क्लास की बच्ची है और इसके पिताजी ठेला पर मुरब्बा का दुकान बेचते हैं, किसी तरह से जीविका उपार्जन करते हैं। इस घटना का कंडेम करते हैं हम। छपरा के कुछ लड़के आए थे जो मेरे परिचित हैं, मैं घर से अभी जस्ट आया हूँ और मालूम हुआ था कि यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। सुप्रिंट साहब को मैं फ़ोन लगाया था बट बात नहीं हो पाई, उनसे बंद था उनका मोबाइल, तो मैं स्वयं आ गया परिवार से मिलने के लिए। परिवार से मिला मगर कल शाम को भर्ती हुआ था, बच्ची भग का एडमिशन हुआ था, मगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था जैसा कि गार्जियन बता रहे हैं, और अब ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है। और न्याय को लेकर क्या मैंने SP साहब से बात किया था, तीनों अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी, भरोसा है। शासन और सरकार बख्शेगी नहीं अभियुक्तों को और कड़ी से कड़ी सजा देगी, इनको न्याय मिलेगा। रात हो चुका है इतना, परिवार वाले के साथ और भी परिजन हैं, कुछ इनके रहने के लिए कुछ अगर अस्पताल में आपने बात की हो सुविधा के लिए? नहीं, रहने का अस्पताल में तो नहीं इंतजाम होता है, बाहर में ये चाहेंगे तो मैं व्यवस्था खुद से कर दूँगा। और अत्यंत ही चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, मैं कहीं मान सकता हूँ। समाज में इस तरह की जो बुराइयाँ फैल रही हैं, इसको क्या मैसेज जा रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, समाज में बुराई तो फैल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश के पैमाने पर आए दिन इस तरह की घटनाएँ को अंजाम दिया जाता है, जबकि सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इन बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भी चिंता की है और आप सबको पता है कि अब तो फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया, और निश्चित तौर पर अधिक से अधिक महिलाओं की सुरक्षा हो, खासतौर पर जो अभी हाल में कानून को अमली जमा पहनाया गया है लोकसभा में, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर किस तरह का व्यवहार होता है तो और भी कड़ी से सजा मिले, उसके लिए प्रावधान मतलब किया गया है। जरूरत पता है तो रामकृपाल यादव इसे संसद तक उठाएंगे, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, इसका तो आप नहीं, निश्चित तौर पर कानून का राज है बिहार में और कोई भी अपराधी आज तक बचा नहीं है। अगर अपराध करने वाला है, चाहे कितना भी कोई बड़ा हो, पहुंच वाला हो, तो सरकार उसको बख्शी नहीं है। और ये भी जो तीनों अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और मैं सरकार बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, किसी को छोड़ने वाली नहीं है, संवेदनाएं जो हैं वो मिल करके प्रकट कर रहे हैं। उनके पिताजी से जो पीड़िता है, आश्वासन दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे संसद तक इस बात को उछाला जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आधी रात के समय में भी PMCH में लोगों का आना जाना जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को साझा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।